सब्सक्राइब करें ट्रैवल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करें। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है और दुनिया भर में इससे संक्रमित होने वालों की संख्या 1,37,00,000 के पार पहुंच गई है, जबकि 5,00,000 से अधिक लोगों की इसके कारण मौत हो चुकी है। कोविड-19 के संक्रमितों के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले, ब्राजील दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर बरकरार है। वहीं इस महामारी से हुई मौतों के आंकड़े के मामले में अमेरिका पहले, ब्राजील दूसरे और ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है, जबकि भारत मृतकों की संख्या के मामले में 8वें स्थान पर है। वर्ल्डोमीटर की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,37,25,000 से पार हो गई है, जबकि अब तक इस महामारी के कारण 5,87,600 से अधिक लोगों ने जान गंवाई है। विश्व महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में कोरोना से अब तक 36,18,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में अब तक 19,70,900 से अधिक लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, जबकि 75,300 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 32,600 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या 9,00,000 पार हो गई है। वहीं इस दौरान 700 से ज्यादा लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 24,900 से ज्यादा हो गई है। संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामले के बीच राहत की बात यह है कि इससे स्वस्थ होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। देश में अब तक 6,14,800 से ज्यादा रोग मुक्त हो चुके हैं। देश में अभी कोरोना के 3,34,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। वहीं बात करें झारखंड की, तो झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामले हैरान करने वाला है। झारखंड में कोरोना विस्फोटक रूप लेता जा रहा है। झारखंड में संक्रमितों की कुल संख्या 4,500 से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के एक दिन में अब तक से सर्वाधिक 337 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अकेले रांची में ही 71 नए मामले सामने आए हैं। ये बढ़ते आंकड़े चिंतित करने वाली है। झारखंड में कोरोना का संक्रमण अब और तेजी से बढ़ने लगा है। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण से हजारीबाग और जमशेदपुर में एक एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसे मिलाकर राज्य में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। वहीं इस अवधि में राज्य में संक्रमण के 337 नए मामले सामने आए हैं, जिन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,562 हो गई है। क्या लॉकडाउन का निर्णय लिया जाएगा या फिर ऐसे ही बयान आते रहेंगे मंत्री और विधायकों का कि लॉकडाउन लगाना कोई उपाय नहीं है, तो फिर क्या उपाय है? लोग मान नहीं रहे हैं, पूरी तरह से बेपरवाह हो गए हैं। सरकार और प्रशासन बोल रही है कड़ाई बरती जा रही है, लेकिन किसी तरह की कड़ाई नहीं दिख रही है। ना सब्जी बाजार में, ना दुकानों में, ना हाट में, हर जगह लोगों की भीड़ देखी जा रही है। लोग बेफिक्र होकर गाड़ियों में चल रहे हैं, कहीं कोई सावधानियां नहीं बरती जा रही है, निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। दो पहिया वाहन भी जोर शोर से चल रही है, कारों में भी 4-5 लोग सफर कर रहे हैं, कहीं कोई सावधानियां नहीं बरती जा रही है, कोई कड़ाई भी नहीं दिख रही, सब कुछ कागजी हो रही है और कुछ नहीं। ऐसे में कैसे कोरोना पर काबू पाया जा सकता है, कब पाया जा सकता है, कहां नहीं जा सकता, लेकिन एहतियात बरते। दिन पर दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, हालात विस्फोटक होती जा रही है। कई राज्य लॉकडाउन की घोषणा कर चुकी है। झारखंड में भी कई विभागों में, कई ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर, बैंकों में, थाने में भी कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं और अब कोरोना तेजी से पनप रहा है। ये कहिए कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, दरवाजे दरवाजे पे दस्तक देना चालू कर दिया है। बेवजह जो घर से निकल रहे हैं उन्हें नहीं निकलना चाहिए, लेकिन लापरवाह हो गए हैं लोग, पूरी तरह बेपरवाह हो गए हैं। सरकारी निर्देशों का खुला उल्लंघन हो रहा है, चाहे वह सब्जी बाजार हो, दुकान हो, हर जगह लापरवाही दिख रही है।
लोग कह रहे हैं कि प्रशासन कड़ाई करेगी, लेकिन व्यवस्था ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। सब जगह ऐसे ही हालात रहे तो ऐसे में यह बड़ा सवाल उठता है कि कौन कंट्रोल करेगा, खुद से लोग करेंगे या सरकार को फिर से सख्ती करनी पड़ेगी। क्या सरकार को फिर से सख्ती करनी पड़ेगी, क्या लॉकडाउन ही उपाय है? निश्चित ही ऐसा लग रहा है समय को देखते हुए, आने वाले दिनों को देखते हुए कि सरकार जब तक लॉकडाउन नहीं करेगी, कोई सख्त कदम नहीं उठाएगी, तब तक लापरवाह लोग भी नहीं सुधरेंगे। यह लोगों की बिल्कुल लापरवाही है। संक्रमित के साथ साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, और यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि जो कोविड अस्पताल है उसमें बेड भी सीमित है, और उससे कई ज्यादा मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में मरीज कहाँ जाएंगे, कहाँ एडमिट होंगे? मुख्यमंत्री ने पहले भी आगाह किया था कि हमारे पास सीमित संसाधन है, सरकार को जितना करना था किया। सरकार ने इसलिए छूट दी थी कि लोग लापरवाह नहीं रहेंगे, निर्देशों का पालन करेंगे, लेकिन तमाम सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करते देखे जा रहे हैं। लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि किसी ही तरह का लापरवाही ना बरते, नहीं तो वह खुद अपनी मौत को बुलावा देंगे। बिल्कुल लापरवाही ना बरते, इसको गंभीरता से लें। लापरवाही बरतना ही नुकसान है, और यही हो रहा है कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं। कहीं दुकानदार मास्क नहीं पहना है तो कहीं ग्राहक नहीं पहना है, लोग ऐसे ही बिना मास्क के आ जा रहे हैं। चाय के ठेले हो या गुमटी, सभी जगह अड्डेबाजी हो रही है, लेकिन 10 में से अनुमान एक या दो लोग ही मास्क लगाए दिखते हैं, बाकी लोग तो कहीं मास्क ऐसे ही लटकाए रखते हैं। व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, लोग खुद से सजग नहीं हो रहे हैं, सतर्क नहीं हो रहे हैं। तो क्या ऐसे में सरकार को सख्ती बरतनी होगी, या फिर से लॉकडाउन एकमात्र उपाय है? लोग सुधरना नहीं चाह रहे हैं, और कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। सरकार कह रही है हमारे पास सीमित संसाधन है, हमें बेहतर काम करना है। कोविड अस्पतालों में भी सीमित बेड है, और संख्या विस्फोटक होती जा रही है। ऐसे में परेशानियां आएंगी, ऐसे में हर आम लोगों को अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी, अपने घर परिवार और अपने समाज के प्रति। अगर आप संक्रमित हो रहे हैं तो पूरा परिवार संक्रमित हो रहा है, पूरा मोहल्ला संक्रमित हो रहा है। शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या नहीं बढ़ रही है। शहरों से अच्छे तो गांव वाले हैं जो सतर्क हैं, एहतियातन अभी भी सावधानियां बरत रहे हैं। हालांकि सरकार कोरोना जांच को लेकर गंभीर है, और जांच की प्रक्रिया में गति देने का काम कर रही है। और भी क्या कुछ कहा सीएम हेमंत सोरेन ने, आइए सुनते हैं। जांच का दायरा हमने बढ़ा रखा है, आपको मालूम है कि पहले हमारे पास सीमित जांच करने के दायरे थे, और उस दायरे को हम लोगों ने पूरे राज्य में बढ़ा रखा है। लगभग हर जिले में आज कोरोना टेस्टिंग का व्यवस्था उपलब्ध है, और वो बहुत जल्द हम लोग प्रखंड स्तर में भी ये जांच की प्रक्रिया को प्रारंभ भी करने जा रहे हैं। और स्वाभाविक है, संक्रमण तो है, जांच होने के उपरांत ही चीजें पता चलती है, इसमें अचरज होने की आवश्यकता नहीं है। और ये हमारे लिए अच्छा है कि एक डाटाबेस तैयार हो रहा है, ताकि हम आने वाले समय में इस संक्रमण के लिए बेहतर तरीके से प्रबंधन कर पाए। जो अभी तक हमें भी जानकारी उपलब्ध कराई है कि जो भी अभी संक्रमण की विषय आए हैं, वो सभी संक्रमण का कोई ट्रैवल हिस्ट्री ही दिखाई दे रहा है, और इस पर चर्चा अभी जारी है, और मुझे लगता है कि चर्चा समाप्त होने के बाद हम आप पर इस पर कोई क्या निर्णय आएगा हम लोग आपको बताएंगे। देखिए, 125 करोड़ की देश ये भारत, अगर पूरे लोग संक्रमित हो जाएं तो संभवतः ये भी नहीं है कि ये बेड उपलब्ध हो पाएगा। आज हमने कहा है पहले भी, इस संक्रमण में डॉक्टर की भूमिका बहुत कम है। इस संक्रमण में सबसे ज्यादा नर्सिंग और रख रखाव की आवश्यकता है, कैसे रहना है, किस तरीके से अपने को क्वारंटाइन रखना है, लोगों से किस तरीके से दूरी बनाना है,
बाथरूम कैसे उपयोग करना है, लोग घरों में भी अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। यहां तक तो भारत सरकार में भी, भारत सरकार ने भी ये ऑर्डर जारी किए हैं कि जो लोग पॉजिटिव हैं वो घर में भी रह सकते हैं। हम लोग इसको देख रहे हैं और इसका प्रबंधन होगा बेहतर तरीके से, और इसमें हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने अभी एक निर्णय लिया है कि इस विषय को लेकर एक कंट्रोल रूम हम लोग तैयार करने जा रहे हैं, बहुत जल्द वो एक्टिव होगा। जो लोग को इसके लिए जानकारी की, इस संदर्भ में जो जानकारी उनको चाहिए, जो लोग इस पर चिंतित हैं, उनको ये उपलब्ध कराया जाएगा। उनके लिए जो इलाज बेहतर होगा या क्या किस तरीके से उसको अपना करना है आगे इस कोरोना के संक्रमण में, उसकी पूरी जानकारी हम लोग उस सूचना केंद्र से लोगों को उपलब्ध कराएंगे। ये संक्रमण का और भी भयंकर रूप देखने को मिलेगा। कोरोना से बचने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने एहतियातन बहुत सारे कदम उठाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के निर्देशों का पालन सही तरीके से नहीं होता दिख रहा है, और यही कारण है कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा और तेजी से अपने संक्रमण से लोगों को अपने चपेट में ले रहा है। झारखंड ही नहीं, पूरी दुनिया इस कोरोना महामारी से त्रस्त है। इस संक्रमण से बचने के लिए सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, खुद को संक्रमण से बचाएं, सरकार के दिए गए निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करें, खुद को सुरक्षित रखें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, सजग रहें, सतर्क रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्राइबल इंडिया टीवी। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindia.tv।